कैसे हो भाई लोग, दीदी लोग? आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? तो हमने पहले पढ़ा था कि वेरिएशंस वो डिफरेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। अब ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन टू जनरेशन बाय जनरेशन, यानी वेरिएशंस का एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह लगातार जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। और वो सारे फीचर या वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटरी फीचर या हेरिडिटरी वेरिएशन। अब क्या होता है, ये जो दोनों है, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन और हेरिडिटरी फीचर। जेनेटिक्स के बेसिकली तीन पार्ट हैं। मेंडल क्योंकि जेनेटिक्स के फादर थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, तो इसीलिए मेंडल से पहले के पार्ट को बोलते हैं प्री मेंडेलियन ईरा, उसके बाद के पार्ट को बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन ईरा, और मेंडल के काम को बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो जेनेटिक्स के कुछ खास, कुछ फेमस, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था बेटेसन ने, ठीक है, जो उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म दी थी। टर्म जीन दी थी जॉनसन ने, और क्रोमोसोमल थ्योरी जो दी थी वो दी थी सट्टन एंड बॉवेरी ने। इसके अलावा मॉर्गन भी का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स के अंदर। अब पहले पहले बात करते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पुराने साइंटिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग उनके बीच में रिप्रोडक्शन कराएं तो पैदा होने वाला ऑर्गेनिज्म उनके बीच का होगा। यानी अगर काले लड़के और गोरी लड़की की शादी कराएं तो बच्चा पैदा होगा सांवला या बीच के कलर का। लंबे लड़के और छोटी लड़की की शादी कराएं तो बच्चा बीच की हाइट का पैदा होगा। तो ये इसी वजह से वो कहते थे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और बाद में अपीयर होते हैं। इस ईरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज या थ्योरी दी गई थी वो थी वीजमैन जंप प्लाज्म थ्योरी, जो कि मैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके हिसाब से बॉडी मैटर के दो पार्ट होते हैं, एक तो सोमैटिक मैटर जिसको क्या बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं जंप प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म बॉडी के साथ मर जाता है लेकिन जंप प्लाज्म नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए ये कभी नहीं मरता। तो ये प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स ईरा था। अब मेंडल ने जो काम किया था, उन्होंने गार्डन पी पे काम किया था पाइसम सेटाइवम पे, और उसके बाद में लेकिन वो अपने काम को, उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, उनके काम को दोबारा से पहचान मिली, रीडिस्कवरी की थी यूगो डी वीरीज हॉलैंड के, एरिक वॉन शेनमक ऑस्ट्रिया के, और कॉल कॉरेंस जर्मनी के। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे मेंडल के जितने भी जो मेंडल का काम था उसे वापस से रीडिस्कवर किया। अब फिर से चलते हैं हेरिडिटी के बेसिस पे। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्रोमोसोम है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी जीन है, और केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी डीएनए है। अब हम बात करते हैं मेंडल ने काम किस पे किया था, गार्डन पी पे जिसे पाइसम सेटाइवम कहते हैं। इसके अलावा स्वीट पी अलग होता है जिसे लेथाइरस ऑडिटरस भी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा वाइल्ड पी होता है, ये पाइसम सेटाइवम ही होती है, लेकिन इसकी सब स्पीशीज या रेस जो होती है वो एलाटियस होती है। तो ये है आपका बेसिक जेनेटिक्स का। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कॉन्टेक्ट करें। Till then, keep your body strong, mind strong, and study strong.